कैबिनेट का कुछ ही देर में विस्तार होने जा रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी राजभवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में 31 मंत्री शपथ लेंगे। सबसे ज्यादा आरजेडी से 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला नाम अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह का है। कार्तिक ने हाल ही में जेडीयू कैंडिडेट को हराकर पटना एमएलसी का चुनाव जीता था। इधर नीतीश कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेस में बवाल शुरू हो चुका है। सोमवार को पार्टी कार्यालय के बाहर नाराज कांग्रेसियों ने जमकर नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि 16 सीट वाली हमको एक विभाग और 19 सीट वाली कांग्रेस को सिर्फ 2 विभाग ही क्यों। राजभवन की राजेंद्र मंडपम में 11:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्री बनने वाले सभी नेताओं को देर रात को ही फोन जा चुका है। मंगलवार सुबह तक पटना पहुंचने के लिए कहा गया है। शपथ के बाद नीतीश कैबिनेट की औपचारिक बैठक भी बुलाई जा सकती है। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, लेजी सिंह, जमा खान, जयंत राज, सुनील कुमार, मदन सहनी, शिला मंडल। आरजेडी कोटे से आलोक मेहता, अनीता देवी, कुमार सर्वजीत, समीर कुमार महासेठ, मोहम्मद शहनवाज, चंद्रशेखर, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक सिंह, इसराइल मंसूरी, शमीम अहमद, तेज प्रताप यादव, सुधाकर सिंह और सुरेंद्र राम। कांग्रेस कोटे से आफाक आलम और मुरारी गौतम। हम कोटे से संतोष कुमार सुमन। निर्दलीय सुमित कुमार सिंह। अब शपथ लेने जा रहे मंत्रियों के बारे में विस्तार से जानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।